आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर जब प्रोसेस होता है स्मार्टफोन में, तो उस सिचुएशन में जो टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम रन होता है बायोस। जी गाइस, आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ बायोस के बारे में कि बायोस होता क्या चीज है, ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँ, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक तरीके का प्रोग्राम होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को ऑन होने में काम करता है। लाइक अगर आप अपने कंप्यूटर्स के पावर बटन को प्लग करते हो, आफ्टर दैट आप सीपीयू को स्टार्ट करते हो, तो आपका कंप्यूटर ऑन होता है। इसके पीछे प्रोसेस होता है जिसे हम बायोस के नाम से जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी गाइस, इसके अंदर बायोस का जो मेन काम रहता है सारे हार्डवेयर कनेक्शन को प्रॉपर वे से चेक करना, प्रोग्राम्स को चेक करना। इसके भी जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स लाइक आपका सीपीयू फैन हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, इसी के बीच आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, जितने भी सारे एसेसरीज है जो एक पूरे सीपीयू बनते हैं, है ना, तो ये सारे चीजों को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, डिटेक्ट करता है, कोई भी एरर्स को फाइंड आउट करता है, जिससे सारी चीजें अगर प्रॉपर सेट रहती है उसके बाद हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के टाइम वो बायोस का काम होता है, वो प्रोसेस करता है चीजें को, एनालाइज करता है कि चीजें प्रॉपर वे में वर्क कर रही है कि नहीं, चीजें सिस्टमैटिक तरीके से है या नहीं। तो बायोस का मेन काम रहता है हार्डवेयर पार्ट्स को डिटेक्ट करना, एनालाइज करना, सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करना, जितने भी प्रोग्राम्स है उसको डिटेक्ट करना। अब हम बात करते हैं बायोस के अंदर एक होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसी की हेल्प से सारी चीजों को ये डिटेक्ट करता है, पावर दिया, सेल्फ किया, डिटेक्ट किया, टेस्ट किया, ये सारे प्रोसेस हैं। सपोज मैं आपके कंप्यूटर को ऑन करूंगा तो जैसे ही विंडो पॉपअप करेगी उसके पहले कुछ सेकेंड का प्रोसेस होता है जिसे बायोस के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर आती है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि बायोस क्या करता है, सीपीयू फैन को डिटेक्ट करेगा कि सीपीयू फैन प्रॉपर वे में चल रहा है कि नहीं, कूलिंग कर रहा है कि नहीं, प्रोसेसर प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, इसी के बीच जो रैम है प्रॉपर स्लॉट लगा है वो प्रॉपर वे में फिक्स है कि नहीं, अगर कोई हार्डवेयर पार्ट मिसिंग है तो वो डिस्प्ले पे एरर करेगा, सीपीयू फैन एरर या फिर रैम एरर, ऐसे वो पॉपअप करके मॉनिटर में बताएगा। तो ये सारी चीजें डिटेक्शन का काम करता है बायोस। अगर सिस्टम्स के अंदर बायोस ना हो तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा। इसके बीच में आपको बता दूं कि बायोस होता कहां है। जी गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ कि बायोस जो है वो एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि रोम के अंदर इंस्टॉल रहता है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो ये बायोस का इंटरफेस है, तो इस तरीके से कुछ बायोस दिखाई देता है कि ऐसा प्रोग्राम होता है जो रोम के अंदर स्टोर होता है। रीड ओनली मेमोरी एक तरीके का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर ये प्रोग्राम स्टोर रहता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसके बाद ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद सारी चीजों को चेक करने के बाद हमारा विंडो को पॉपअप करता है, विंडो हमारा जो खुलता है उसके पहले जो प्रोग्राम चलती है वो बायोस का चलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बायोस क्या क्या चीजें स्टोर करती है, क्या क्या चीजें मैनेज करती है। गाइस, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से, हार्डवेयर पार्ट से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीजों को एनालाइज करता है, डिटेक्ट करता है, आफ्टर दैट आपके कंप्यूटर को ऑन कराता है। लेकिन गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके बीच एक सेल टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं सीमोस बोलते हैं, जो ये सारी चीजें जो डेट टाइम जो रहता है कंप्यूटर्स के अंदर इसे मैनेज करता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हो फिर पावर ऑन करते हो तो ऐसे में जो आपके कंप्यूटर का डेट और टाइम है वो प्रॉपर सेट रहता है। तो इस बायोस के लिए एक सीमोस होता है जो इसके अंदर काम आता है, बिकॉज बायोस को ऑपरेट करने के लिए जो भी फंक्शन कीज है, छोटे छोटे पासवर्ड्स है, टाइम है, डेट है, ये सारी चीज को मैनेज करने के लिए यूज होता है सीमोस का। गाइस, सीमोस एक तरीके का सेल टाइप का होता है जिसके अंदर डेट और टाइम स्टोर रहता है जो बायोस को फंक्शन करने में हेल्प करता है। इसी के बीच मैं आपको आगे बताना चाहूँ कि बायोस एक ऐसा प्रोग्राम है गाइस कि इसके बिना आप सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को। सबसे पहले सीपीयू के अंदर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले बायोस प्रोग्राम होता है उसमें। अगर आप नया कंप्यूटर्स लेते हो, नया लैपटॉप लेते हो, तो उसके अंदर बायोस बिल्ड इन रहता है, रोम के अंदर स्टोर रहता है।
गाइस आप अपने बायोस को अपग्रेड कर सकते हो, जिससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ले सकते हो बायोस के लिए, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, ज्यादा सेटिंग्स रहेंगे जिस चीजों को आप ऑपरेट कर पाओगे, कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप गूगल पे जाना है, देन वहां पर आपको बायोस की साइट पे जाना है, आपके जो हार्डवेयर है मदरबोर्ड है उसके बेस पे आप अपने बायोस को सेटअप कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। बट इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के बायोस को अपग्रेड करोगे, डाउनग्रेड करोगे, ये सारी चीजें मैनेज करता है बायोस के मॉडल के ऊपर, कि आप बायोस को कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, देन कौन सी कंपनी का बायोस इंस्टॉल्स है, ये सारी चीजें मैसेज करती है। अब मैं आपको बता दूं कि बायोस के बारे में जैसे मैंने कि आपको बताया, तो इसमें जो मेन है रोम, रोम के अंदर ये सारे प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, सारी चीजें फिक्स रहती है, तो ये सारी चीजें बिल्ट इन रहती है। जब भी कोई लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग होके आती है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, फिर भी उसके अंदर बायोस स्टोर रहती है, बायोस प्रोग्राम स्टोर रहता है, तो ये सारी चीजें काम आती है, सीपीयू फैन एरर्स या फिर रैम, हार्ड डिस्क, पैन ड्राइव, यूएसबी पोर्ट, एनआईसी कार्ड, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज को डिटेक्ट करता है प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, फंक्शन हो रहा है कि नहीं, एनालाइज करता है। यही सारी चीजों के लिए यूज होता है बायोस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस प्रोसेस होता है बूटिंग प्रोसेस में, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस में, उसके बाद विंडो पॉपअप करता है, बस इतना ही चीज है गाइस। बायोस एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में हेल्प कराता है, हार्डवेयर ओएस को डिटेक्ट करता है, इतना ही आप जान लो बायोस के बारे में। सो गाइस वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो आपको पसंद आया फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।